देखो बेटा, 10 तो हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है। पापा देखिए मैथ्स। हाँ तो बेटा मैथ्स ले लो ना, IIT से इंजीनियरिंग करना। नहीं पापा, मैथ्स बनती नहीं है मुझसे। अच्छा मैथ्स नहीं बनती तो सॉर्टेड है ना बेटा, बायो ले लो, एम्स से डॉक्टरी करना। पापा मैं सोच रहा था कि कॉमर्स ले लेते। नहीं 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 बेटा, देखो तुम्हें जो सब्जेक्ट चूज करना है तुम वो करो, पर मैथ्स और बायो में से। कॉमर्स तो ऐसे ही लोग करते हैं, तुम तो टॉपर थे, 95% आई थी तुम्हारी फर्स्ट क्लास में। तुम तो अभी ये डिसाइड करो कि तुम्हें स्कूल डमी लेना है या कंटिन्यू करना है। देखिए पापा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो स्कूल लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो डमी से अच्छा तो स्कूल ही कंटिन्यू कर लेता हूं। चलो फिर डमी ले लेते हैं, क्योंकि बेटा ये 2 साल जिसने एंजॉय कर लिया ना, वो अगले 50 साल पछताता है फिर। तुम तो ये बताओ, तुम्हें कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन करना है या ऑफलाइन? ऑनलाइन बेटर रहेगा पापा, मतलब घर से अटेंड कर लूंगा मैं। चलो फिर ऑफलाइन ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं निकलता। और बेटा ये सब कॉमर्स लेके तो बाद में भी MBA हो सकता है ना, अभी तुम डॉक्टर बन रहे हो ना,